हे गाइस, मैंने अभी अभी एक ब्लॉग को एंड किया और मैंने फिर से व्लॉगिंग स्टार्ट कर दिए हैं। और अभी जो है शाम का 5 बज रहा है, तो मैं फिर से व्लॉग स्टार्ट कर दिए हैं। और हाँ, मैंने ना फेस पैक लगाऊंगी। मैं कुछ टाइम से फेस पैक अप्लाई कर रही हूँ रेगुलर, और जो कि शाम के टाइम में ही अप्लाई करती हूँ, थोड़ा सा टैनिंग रिमूव करने के लिए। पूजा का टाइम है तो थोड़ा सा स्किन क्लीन लगना चाहिए ना, इसी वजह से मैं रेगुलर अभी पैक अप्लाई कर रही हूँ, जो कि हल्दी बेसन का पैक। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ, जो कि मेरा सिंपल सा जो पैक है। और अगर आप लोग कोई टैनिंग वगैरह या फिर कोई चीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं पैक, तो मेरे बहुत सारे रेमेडी शेयर किए हैं, तो आप लोग वो भी वीडियो देख सकते हैं। और अभी मैं सिंपल सा हल्दी बेसन का पैक अप्लाई करूँगी फेस पे, जो कि मैं अभी रेगुलर लगा रही हूँ। तो चलिए लगा देते हैं पैक को, और आप लोग देख लीजिए किस तरीके से मैंने पैक को बनाए हैं। और इस पैक को बनाने के लिए मैंने लिए हैं 1 स्पून बेसन, और थोड़ा सा मैंने लिए टर्मरिक एंड गुलाब जल से इसको मिक्स करेंगे। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, देन इसको अप्लाई करना है। ज़्यादा कुछ नहीं है, और देख सकते हैं मिक्स अप्लाई करने के लिए रेडी हो चुका है। और इसको मैं पटाख से जो है फेस पे अप्लाई कर ले रही हूँ जल्दी जल्दी में, और आप लोगों को दिखा रही हूँ मैं स्पीड में करके। बट उतना स्पीड में तो कोई भी नहीं लगा सकता है ना, तो बस। और हाँ, इसको अप्लाई करने के बाद, यानी वॉश करने के बाद, हम लोग आए छत पे क्योंकि मौसम देखना था। मम्मी को करना है पूजा ना, जितिया पूजा है, तो मम्मी को छत पे बैठ के पूजा करना है। बट छत पे नहीं कर पाएगी क्योंकि पानी बरस रहा है रिमझिम, और ऊपर आप बादल देख सकते हैं, पूरा बादल भरा हुआ है। एंड आपको दिखाऊँगी मैं अभी वो भी, एंड देख सकते हैं यहाँ का पूरा व्यू जो कैसा है, नहीं एकदम सा एकदम बादल भरा हुआ है, एकदम अंधेरा छाया हुआ है। अब मौसम देखिए ऊपर में कैसा है। तो मम्मी जो है छत पे नहीं कर पाएगी, मम्मी करेगी रूम में, जो कि रूम नहीं, 2 महला पे जो है बना हुआ नहीं है, तो मम्मी वहीं पे बैठ के पूजा करेगी, जो कि देख सकते हैं आप लोग। अभी मम्मी वहीं पर बैठ के पूजा करी है, डाला भर ली है एंड बैठ के पूजा कर रही है। और मेरी बेटी को देखिए क्या कर रही है, हाथ में चॉकलेट लेके दादी के साथ बैठ के पूजा कर रही है। और हम देखती है, सब कुछ बोलती है। देखिए कैमरा देख लिया, कैमरा देखो कैसे कर रही है। जो कैमरा उसको चाहिए, मोबाइल हो, जो मोबाइल देखे छोड़ती नहीं, बस मोबाइल लेने के लिए परेशान हो जाती है, तो बस वो परेशान हो रही है। और मम्मी देखिए उसको समझाती है, प्रणाम करो, नमो नमो है, नमो करो, जय करो, सब बताती है उसको, बट वो देख रही है। और हाँ, कभी बहुत अच्छा से जो है ना वो प्रणाम भी करती है, मैं कभी आप लोगों को दिखाऊँगी, कभी भूल जाती फिर कभी करने लगती है। और वो जो दिया जला ना, उसको देखिए वो बुआ बुआ बोल रहे, तो देखिए आप लोग क्या ऐसे करके बोल रही हो, तो कैसे शरीर हाथ कर रही है। और अभी वो सो के उठी है, इसीलिए थोड़ा सा शांत है। और आप इसका फेस देख सकते हैं, और एक मिनट मैं उसको सामने से दिखाती हूँ, देखिए इसका फेस किस तरीके से है। और एक आँख में काजल अप्लाई है, एंड एक आँख, दोनों आँख में है, बट एक आँख में ज़्यादा है, एक आँख में कम है। और अभी मैंने उसको क्लीन वगैरह नहीं किए हैं। और हाँ, रात में पूजा करने के बाद कोई भी वीडियो शूट नहीं किए थे, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग का ब्लॉग है ये जो देख रहे हैं अभी वाला। और बेड में क्लीन कर रही हूँ, और वो साइड में बैठ के खेल रही है, टेडी से लेके खेलती है, एंड बुआ बुआ एंड माओ माओ बोलती है उसको देख के, एंड काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही है, देख सकते हैं। उसको नींद से उठी है, इस वजह से हाँपी भी कर रही है, और थोड़ा सा ना मुझे ठीक हो जाता सुबह सुबह, तो मुझे ठीक हो गया। और हाँ, जो साइड पिलो है ना, उसका जो धागा खींच के वो ही निकाल देती है जब भी बांध के रखती हूँ, तो उसको मैं अंदर डाल रही हूँ उसका। एंड उसको देखिए क्या कर रही है, जहाँ पकड़ लेता है तो रोने भी लगती है, देखिए वो कैसे करके। और घर में बिल्ली है तो उसे थोड़ा सा डर भी लगाते हैं, जो देखो डरो, बट नहीं डरती है, देखिए वो क्या कर रही है। देख लिया आप लोग कैसे रोई, एंड उसको देख के आए दादी के पास। उसके बाद फिर से मैं बेड को क्लीन करने लगी, काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है, थोड़ा थोड़ी बाद पे रोने लगती है, बहुत ज़्यादा चिल्ला चिल्ला के रोने लगती है। और मैं पटाख से बेड को भी क्लीन कर लेती, और बेड ना बहुत जल्दी मेसी हो जाता, बहुत जल्दी गंदा भी हो जाता है। मेरी बेटी चढ़ती है एंड बेड के बेडशीट हटा देती है, बार बार बेडशीट हटा देती है, एंड सब कपड़ा वगैरह जो है लेती है, साइड में रखा हुआ देख सकते हैं झूला पे, और उसका जो झूला था झूला पे नहीं झूलती है, तो बस उसको मैंने साइड में बैग पैक करके रख दिया, वहाँ थोड़ा सा स्पेस था तो वहीं रख दिए हैं। और वहाँ पे थोड़ा सा उसका कपड़ा वगैरह जो रखती हूँ उसे लेके छीट देती है, पूरा बेड पे रख देती है, पूरा बेड जो है मेसी कर देती है, एंड उसका खिलौना वगैरह से हमेशा जो है बेड उसी तरह से मेसी हुआ रहता है। एंड साइड में जो कपड़ा वगैरह वो भी मैं जल्दी से क्लीन कर ले रही हूँ, साइड करके रख देती हूँ सबका। और हाँ, सुबह सुबह का भी मौसम बहुत ही अच्छा है, मैं आपको एक मिनट दिखाती हूँ कितना अच्छा से मेरी खिड़की से हवा आ रही है, देख सकते हैं कितना अच्छा, आपको अंदाज़ा लग सकता है कितना अच्छा हवा आ रहा है। सुबह का काम कंप्लीट हो चुका है, नाश्ता भी कंप्लीट हो चुका है हम लोगों का, और ये जा रही है अभी इंजेक्शन लगाने। आज इसका इंजेक्शन का डेट है, तो जा रही है इंजेक्शन लगाने।
ये रेडी हो रही है, मतलब हो चुकी है रेडी, हो जाएगा पापा के साथ और दादू के साथ जाएगी इंजेक्शन लगवाने। अब मैं नहीं जाऊंगी वो चली गई इंजेक्शन लगवाने के लिए। अब मुझे तो काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा, रोएगी क्या क्या करेगी, क्योंकि अभी बड़ी हो गई, खेलने हाथ पाँव इधर उधर करने सीख गई है, तो बहुत ज़्यादा पेन होगा शायद, 3 दिन तक फीवर भी रहता है, पर देखते हैं कैसा होता है उसका आने के बाद रिएक्शन क्या रहता है नहीं रहता, उसके बाद आप लोगों को भी दिखाऊंगी कैसा है नहीं है उसका रिएक्शन। और अभी मैं जा रही हूँ कपड़ा वॉश करने के लिए, कपड़ा वॉश करके नहाऊंगी, उसके बाद आप लोगों से बातें करती हूँ। और मैंने नहा लिए हैं और हेयर वॉश नहीं किए, क्योंकि मैं अभी डेली डेली हेयर वॉश नहीं कर पाऊँगी, जब तक मेरी बेटी 1-1.5 साल के नहीं हो जाती तब तक तो मेरे घर से अलाउ नहीं करती है मैं डेली डेली हेयर वॉश करना। कभी कभी कर लेती है, पूजा वगैरह रहता तो कर लेती हूँ, बट डेली नहीं करने देता है, हमें डांटने लगता है डेली डेली करती हूँ तो नहीं, अभी नहीं करना, बेबी को ठंडा लग जाएगा इसी वजह से। और मैंने बस थोड़ा सा जो मेरा रेगुलर मेकअप रहता है वो मैंने कंप्लीट किया, मम्मी थोड़ा सा बुलाए थे तो मम्मी के पास गए थे सुनने के लिए क्या बोल रहे थे, तो बस मैंने क्रीम लगाते लगाते गई, एंड क्रीम लगाते लगाते आ गए हैं। और मैंने जो भी ज़्यादा मेकअप नहीं करती, घर में ज़्यादा मेकअप में अच्छा नहीं लगता मुझे मेकअप करके रहने में, तो बस थोड़ा सा डेली सिंदूर अप्लाई करती हूँ नहाने के बाद, और बस मेरा रोज़ का मेकअप जो है यही है, देखिए और आप वो भी लोग। गई है इंजेक्शन लगाने, जो कि आई नहीं, मैंने नहा लिया, सब काम वगैरह भी हो चुका है, कपड़ा वॉश भी हो चुका है, अभी जाऊँगी उसको कपड़ा को छत पे देने के लिए, सूखने के लिए देना है, वरना नीचे नहीं सूखेगा, छत पे ही देना पड़ता तभी सूखता है, मौसम थोड़ा सा ख़राब भी है, तो उसको जाके इसको छत पे दे देती हूँ। और ये वाला ब्लॉग जो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा था तो इसको मैं ही एंड कर रही हूँ, और इंजेक्शन लगा के आएगी वो वाला रिएक्शन आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगा, और इस ब्लॉग को मैं ही एंड करती हूँ, एंड मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।